अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रहे हैं आलू मटर और उसके साथ बॉयल एग्स। बॉयल एग्स ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, लेकिन मैंने डाले हैं, मुझे अच्छे लगते हैं और इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं, इनको सौते कर रही हूँ। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं है क्योंकि मेरे खानों में तेल का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, मैं नहीं डालती ज़्यादा, आपकी मर्ज़ी आप जितना डालें। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है जिसके अंदर ज़ीरा है, काली मिर्च है और दालचीनी है, और इनको भी अच्छी तरह सौते करूँगी। सौते करने के बाद अब इसके अंदर मैं आलू डालूँगी। आलू डाल के उनको मैं अच्छी तरह प्याज के साथ सौते करूँगी ताकि आलू को चारों तरफ से कोटिंग आ जाए अच्छी तरह से और वो गले में अच्छे तरह से बन जाए। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और उसके साथ इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, थोड़ा चमचा चलाऊँगी ताकि चारों तरफ से ये लहसुन अदरक भी भुन जाए और आलू भी भुन जाए। अब इनके अंदर मैं डालूँगी मटर, मटर आलू के साथ डालूँगी ताकि आलू मटर दोनों अच्छी तरह से तेल के अंदर फ्राई हो जाएं और अच्छी तरह इनको सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद इसके अंदर फिर अब मैं शामिल करूँगी सारे मसाले। मैं पांच मसाले डालती हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं हल्दी डालती हूँ, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और नमक, ये मेरे पाँच बेसिक पाउडर्स हैं स्पाइस में जो कि मैं हर अपने खाने में डालती हूँ, इनके बगैर मेरा खाना नामुकम्मल है। थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के इसके अंदर मैं इसको सौते करूँगी। सौते करने के बाद अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। इस सालन में मैं टमाटर डाल सकती हूँ लेकिन टमाटर थोड़ा सा मसला ये होता है कि वो गलने में देर लगाते हैं, तो दही डालें तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, फ़ाइन शोरबा बनता है इसका। तो मैंने इसके अंदर दही डाली है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि ये दही फट ना जाए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला इसके अंदर, स्टर किया, ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए इसको मैंने बंद कर दिया ताकि दही अपना पानी सुखा ले। अब इसके बाद मैंने आखिर में, जब ये पकने के करीब हो तो उसमें मैं आखिर में कसूरी मेथी डालूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेथी जब आप आखिर में डालते हैं। तो अब आखिर में मैंने इसका, अब जितना मुझे शोरबा इसका रखना है वो मैं रखूँगी। अब मेरा ये सालन तैयार है, देखें माशाल्लाह से तेल भी ऊपर आ चुका है, ग्रेवी भी अच्छी बन चुकी है और अब आखिर में मैं इसके अंदर बॉयल एग्स डालूँगी। बॉयल एग्स इसके अंदर ऑप्शनल है, मैंने पहले भी बताया था, वो आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। और अब मेरा आखिर में मैं इसके अंदर गर्म मसाला भी डालूँगी लेकिन मैं शूट नहीं कर सकी, लेकिन इसमें गर्म मसाला स्प्रिंकल करूँगी। और अब ये मैंने डिश आउट कर लिया है, इसके साथ मैंने तंदूरी रोटी मंगाई है।